बिहार की राजधानी पटना में सड़क किनारे पंचर बनाते इस शख्स का नाम है मंसूर आलम। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, इन्होंने खो खो के मैदान में बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2018 में इंटरनेशनल खेलकर इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऐसे होनहार खिलाड़ी को पंचर जोड़ते देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल बिहार में पंचर हो चुके सिस्टम के चलते मंसूर आलम 10 साल तक नौकरी के लिए जूझते रहे। इन्हें नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन पंचर जोड़ना इनकी मजबूरी बन गई। घर में एक बूढ़ी माँ है, दो बहनें भी हैं। एक बहन की शादी होनी अभी भी बाकी है। देश की खातिर मेडल जीते, लेकिन परिवार के भरण पोषण के लिए अब जद्दोजहद कर रहे हैं। मंसूर का मानना है कि खेल का मैदान हो या जिंदगी की रेस, खिलाड़ी कभी हारता नहीं। से स्टार्ट किए मतलब खो खो खेलना? खो खो खेलना हम 1998 से स्टार्ट किए थे। जी, उसके बाद स्टेट खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, अब बहुत अच्छा खेलते गए तो नेशनल इंटरनेशनल भी खेलने को मौका मिला। अब तो बड़ा टूर्नामेंट ही खेलते हैं। इंटरनेशनल कई बार खेल चुके हैं? इंटरनेशनल एक बार खेले 18 में, नेशनल कई बार, नेशनल कम से कम 18-19 नेशनल खेल चुके हैं जो बिहार का रिप्रेजेंट किए हैं। मैं भी खेलता हूँ, अपने जूनियर को भी सजेशन देता हूँ कि भैया ईमानदारी से खेलो और अच्छे खेलो, एक दिन सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा। मगर सरकार का थोड़ा सा ये है, मगर हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री से कहते हैं कि हम लोग को कम से कम उचित रोजगार मिले जो जिस लेवल के खिलाड़ी हैं। जी, बिहार सरकार खिलाड़ियों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाती है। मेडल लाओ नौकरी पाओ का ढिंढोरा भी पीटा जाता है, पर जमीनी हकीकत यही है कि मंसूर आलम जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी को पंचर बनाने की नौबत आ जाती है। खेल प्राधिकरण के तहत हर साल 5400 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलता था, लेकिन 2011 से वो भी मिलना बंद हो गया। 2010 में कि हर माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम सपना था कि हर वर्ष हर खेल से 5 खिलाड़ियों को नौकरी लगेगी, ठीक है ना। मगर आज सरकार का सिस्टम एकदम बिल्कुल फेल हो गया। मगर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री से अनुरोध करते हैं हम लोग कि जो जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, जो जिस लेवल के खिलाड़ी, उनको उचित रोजगार मिल सके। खेलने से नहीं होगा, खेल के साथ साथ रोजगार भी चाहिए खिलाड़ी को। मेरे जैसे कितने खिलाड़ी हैं जो कोई ठेला चला रहे हैं, कोई पंचर बना रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे चाय बेच रहे हैं। मंसूर जैसे न जाने कितने खिलाड़ी खेल की ललक लिए बिहार और देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की ऐसी उपेक्षा की वजह से कोई बिहार से खेलना नहीं चाहता। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि प्रोत्साहन की कमी दिखाई देती है। सरकार को चाहिए कि जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे, उसका वो सम्मान करे। ईटीवी भारत के लिए पटना से नीरज उपाध्याय की रिपोर्ट।